माय डियर फ्रेंड स्कॉट, नमस्कार। आपने होली की शुभकामनाएं दी, आपने चुनाव विजय की शुभकामनाएं दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ के कारण जान माल की क्षति के लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हमारी पिछली वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाए। एक्सलेंसी, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका, इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सलेंसी, प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब इनको, जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई है, सारी चीजें लौटाई है, उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शनिवार के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, लेकिन टूर्नामेंट अभी बाकी है। दोनों देशों की टीमों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सलेंसी, एक बार फिर आज आपसे विचारों का आदान प्रदान का अवसर मिला।
इसके लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। अब मैं मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देते हुए ओपन सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। उसके बाद कुछ पल रुकने के बाद मैं अगले एजेंडा आइटम पर अपने विचार रखना चाहूंगा।